एयर इंडिया के विमान में बम की धमकी से मचा हड़कंप। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट को दिल्ली किया गया डायवर्ट। एयर इंडिया के एक विमान को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मच गया। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया। अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और आगे की जांच जारी है। विमान फिलहाल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर है। विमान की जाँच की जा रही है। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे एयर इंडिया के एक विमान को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मच गया। विमान को इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया। अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और आगे की जांच जारी है। अधिकारियों ने बताया कि विमान फिलहाल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर है और यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। विमान में 135 लोग थे सवार। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-657 में 135 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। सभी को दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से उतार लिया गया है। विमान को आइसोलेशन बे में रखा गया है। सुरक्षा नियामक समिति के निर्देश लिया एक्शन। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि मुंबई से JFK के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI-119 को विशेष सुरक्षा अलर्ट मिला और सरकार की सुरक्षा नियामक समिति के निर्देश पर उसे दिल्ली की ओर मोड़ दिया गया। सभी यात्री विमान से उतर चुके हैं और दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल पर हैं। दो दिन पहले उड़ान में आई थी तकनीकी खराबी। यह घटना शुक्रवार को तिरुचिरापल्ली से शारजाह जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में तकनीकी गड़बड़ी के कुछ ही दिन बाद हुई है, जिसमें विमान को सुरक्षित रूप से उतरने से पहले ईंधन और वजन कम करने के लिए आसमान में कई बार चक्कर लगाना पड़ा। एयरलाइंस ने कहा कि उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान में हाइड्रोलिक सिस्टम लैंडिंग गियर से संबंधित खराबी आ गई।